अगर आप भी माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए प्लान बना रहे हैं, वहाँ जाने के लिए सोच रहे हैं, तो एक खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले पूरा आदेश क्या है, क्या आदेश नया निकाला है, उसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद प्लान बनाइए माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इन दिनों मौसम काफ़ी ख़राब है, भारी बारिश से यहाँ लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसका असर माँ वैष्णो देवी गुफा मंदिर के रास्तों पर भी पड़ा है। अगर आप माँ वैष्णो देवी के भक्त हैं तो दर्शन करने के लिए सोच रहे हैं, तो दर्शनों का प्लान अगर बना रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। दर्शन करने से पहले वहाँ सबसे पहले इस आदेश के बारे में पूरा जान लीजिए, उसके बाद ही प्लान बनाइए। आपको बता दें कि भारी बारिश के बाद जो है वो रास्ते कई बंद हो चुके हैं, और यही असर जो है माँ वैष्णो देवी के जो रास्ते हैं वहीं पर देखने को पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खराब मौसम की वजह से श्री माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर का नया रास्ता भी बंद कर दिया गया है। वहीं रियासी जिले में आज मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी निलंबित कर दी गई है। हालांकि यात्रा पुराने ट्रैक से सुचारू रूप से चल रही है, तो अगर आप माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो जानने का प्लान बना रहे हैं तो इसके आदेश से ही जो है वह प्लान बनाएं। रियासी के SSP अमित गुप्ता जी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि खराब मौसम के कारण श्री माता वैष्णो देवी गुफा मंदिर का जो नया मार्ग है वो बंद कर दिया गया है, जबकि रियासी जिले में आज मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी निलंबित कर दी गई है। यात्रा पुराने ट्रैक से सुचारू रूप से चल रही है। अधिकारियों ने कहा कि इस साल की शुरुआत में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर के रास्ते में बैटरी कार भी की सेवा को भी निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा यह फैसला भक्तों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर का मौसम लगातार खराब है और यहां लगातार भारी बारिश हो रही है, जिस कारण से तापमान में गिरावट बनी हुई है। आंधी तूफान और गरज के साथ राज्य के कई स्थानों पर भारी बारिश का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अगले 7 दिनों तक यहाँ गरज के साथ भारी बारिश के आसार जो है वो बताए जा रहे हैं। जो काफ़ी रास्ते जो खराब हो चुके हैं, काफ़ी भूस्खलन की वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, और ऐसा ही असर जो है माँ वैष्णो देवी के रास्तों पर पड़ा है। और उन्होंने ये आदेश के हिसाब से ही भक्तों को कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किलें ना हो, उनको देखते ही आदेश जो है वो निकाला गया है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहे लद्दाख में जिसके साथ सूर्य राजपूत। धन्यवाद।